क्या रॉकी को अंडर एस्टिमेट किया सरकार ने? क्या केजीएफ का गोल्ड केजीएफ में ही है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एल्डोराडो बुक के राइटर आनंद इंगलांगी हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके बेटे विजेंद्र इंगलांगी ने रॉकी की जो कहानी रिपोर्टर दीपा हेगड़े को सुनाई है वो पूरी तरीके से सही है या विजेंद्र इंगलांगी ने कहानी सुनाने में कोई गलती की है, इसके बारे में तो खुद आनंद इंगलांगी ही बता सकते हैं। इसीलिए न्यूज़ 24 का पीएन चैप्टर 3 की कॉपी जो उसको आनंद इंगलांगी की लाइब्रेरी से मिली है उसे लेकर वो दीपा हेगड़े के पास जाता है। दीपा हेगड़े उसी कॉपी को आनंद इंगलांगी के पास लेकर हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो आगे की कहानी सुन सके। दीपा हेगड़े आनंद इंगलांगी से पूछती है कि क्या हमने केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को गलत पढ़ लिया है? इंडियन आर्मी के हमले के बाद केजीएफ और रॉकी का क्या हुआ, इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए क्या हमें केजीएफ चैप्टर 3 पढ़नी होगी? दीपा हेगड़े के सवाल सुनने के बाद आनंद इंगलांगी कहते हैं कि आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई, गलती तो उस समय की गवर्नमेंट से हुई थी जो ये समझ बैठी थी कि रॉकी हार मान गया है, जिसका पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ पाई उसका समंदर की लहरें क्या बिगाड़ पाएंगी। ये कहकर आनंद इंगलांगी आगे की कहानी सुनाने लग जाते हैं। रॉकी केजीएफ का सारा गोल्ड लेकर इंडियन ओशन में अपना शिप लेकर उतर गया है, लेकिन जिस गोल्ड को इंडियन नेवी केजीएफ का गोल्ड समझ रही है असल में वो केजीएफ का गोल्ड नहीं था, वो सारा गोल्ड इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का था। केजीएफ का गोल्ड रॉकी ने अपनी माँ की कब्र के नीचे छुपा कर रखा हुआ था, यानी केजीएफ का गोल्ड अब भी केजीएफ में ही है। फिर दीपा हेगड़े आनंद इंगलांगी से पूछती है, लेकिन रॉकी के पास इंडोनेशिया की माइन का गोल्ड कैसे आया? तब आनंद इंगलांगी कहते हैं कि ये जानने के लिए हमें रॉकी की लाइफ के उन 3 सालों 1978 से 1981 में दूसरे देशों में रॉकी के किए गए क्राइम्स के बारे में जानना होगा। रॉकी जानता था कि अधीरा रॉकी से हार जाने के बाद रॉकी पर वॉर करने की कोशिश जरूर करेगा। रॉकी ये भी जान चुका था कि रमिका सेन केजीएफ को बर्बाद करके ही छोड़ेगी, इसीलिए रॉकी ने एक प्लान बनाया। अब वो प्लान क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा रॉकी का प्लान। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।